वेलकम बैक टू सी डी मोबाइल। तो आज मैं आपको बताऊंगा एलईडी बल्ब किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। तो सिंपली मैं इसे एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ ये बल्ब सही है या फिर ख़राब है। तो देखिए ये बल्ब ख़राब है, तो इसे फ्रंट राइट से हमें ओपन करना होगा। कुछ इस टाइप से आप ओपन कर सकते हैं। अगर ओपन ना हो, कभी कभी बहुत ही टाइट होता है, तो आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन करना होगा। और इसमें 10-12 एलईडी, करीब 10 के आसपास एलईडी है, तो इसमें से कोई एक एलईडी फ्यूज है। आप ध्यान से देखेंगे तो कॉर्नर में आप नीचे से देख रहे होंगे कि एक ब्लैक कलर का अंदर बिंदु टाइप के दिख रहा है, यानी कि वो एलईडी फ्यूज है। कुछ इस टाइप से आपको दिखने को मिल जाएगा, यानी कि आप जितना ही बल्ब को देखे हैं वो सब बल्ब एकदम परफेक्ट है, और एक जो कॉर्नर में था उसमें थोड़ा सा ब्लैक था। तो सिंपली इसे चेक करने के लिए आपको एक ट्यूजर का ज़रूरत होगा, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। कुछ इस टाइप से आपको एक ट्यूजर चाहिए और हर एक बल्ब को सीरीज करके चेक करना होगा। तो ऑलरेडी देखिए इसमें तो हमें मालूम है कि ये बल्ब फ्यूज है, तो सिंपली उसको मैं सीरीज करूँगा। तो देखिए बल्ब जल जा रहा है, तो सिंपली हम इस बल्ब को यहाँ से रिमूव करके दोनों पॉइंट को सीरीज कर देंगे। जैसा कि ट्वीजर से हम दोनों पॉइंट के एक दूसरे से टच कर रहे हैं तो बल्ब जल रहा है। तो वैसे आपको मालूम भी ना चले तो एक एक बल्ब को आप इसी तरीके से सीरीज करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा बल्ब फ्यूज है। तो आयरन की मदद से इस बल्ब को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, और इस पॉइंट को मैं सीरीज कर दूंगा। मतलब इसमें से दो पॉइंट होगा जो कि दोनों को एक साथ अटैचमेंट कर दूंगा। तो कुछ इस टाइप से आपको दोनों पॉइंट को सीरीज करना है, यानी दोनों पॉइंट को मिला देना है। देखिए ये दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मैं मिला दूंगा यानी कि सीरीज कर दूंगा। और चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो कुछ इस टाइप से आपको दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला देना है, और जितना भी बल्ब फ्यूज रहे वो सब बल्ब को आपको इसी तरीके से मिक्स कर देना है, मतलब दोनों पॉइंट को ऐड कर देना है, तो आपका बल्ब रेडी हो जाए कुछ इस टाइप से। तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से रिपेयर करना है। वैसे अगर सब के सब एलईडी फ्यूज हो जाए तो सिंपली एक स्ट्रिप मिल जाता है, जो कि आप डायरेक्ट पूरा एलईडी बल्ब का स्ट्रिप ही चेंज कर सकते हैं, पूरा के पूरा। इसमें जो आप देख रहे हैं तो इसमें से एक स्ट्रिप हम रिमूव करेंगे और डायरेक्ट इसमें हम सेट कर देंगे। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरीके से सेट करना है।